हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंथेसिस ऑफ इबुप्रोफेन। ठीक है, तो इबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, दैट इज ठीक है, बेंजीन रिंग, COH। ओके, तो अब हम इसका क्या देखेंगे, सिंथेसिस देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रॉम आइसोब्यूटिल बेंजीन इसे क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, तो आइसोब्यूटिल बेंजीन कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, दिस इज द आइसोब्यूटिल बेंजीन। देन हम इसको क्या करेंगे, Cl+Al Cl3 की प्रेजेंस में क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा, दिस इज ऑक्सीजन। ओके, देन हम इसको क्या करेंगे, H2 एंड पैलाडियम, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ का क्या जुड़ जाएगा, OH। ठीक है, देन हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, और साथ में क्या ऐड करेंगे, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज हमारा इबुप्रोफेन। ठीक है, सो दिस इज द इबुप्रोफेन। ठीक है गाइस, तो हम क्या ले रहे हैं, फ्रॉम आइसोब्यूटिल बेंजीन। आइसोब्यूटिल बेंजीन से क्या कर रहे हैं, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, एसाइल क्लोराइड एंड AlCl3, तो हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से OH जुड़ जाएगा। देन हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज द इबुप्रोफेन। ठीक है गाइस।